पावन पवित्र श्रवण मास में भोलेनाथ के भक्त शिव भक्ति में लीन रहते हैं। वहीं पीथमपुर के सागौर स्थित प्राचीन सोमनाथ मठ पर भी प्रति सोमवार सिद्ध एवं दिव्य रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा, जिसके तहत आज एकादश महारुद्रपाठ से वेदपाठी विद्वानों द्वारा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर शिव भक्तों को वितरित किया गया। महारुद्राभिषेक में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मेन्द्र पुरी जी महाराज का विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष का समर्पण शुल्क एक श्रीफल रखा गया। सिद्ध रुद्राक्षों का वितरण श्रावण मास के प्रति सोमवार को भक्तों को किया जाएगा। सोमनाथ महादेव मठ के महंत नीलेश भारती ने बताया कि मठ जिले ही नहीं अपितु संपूर्ण मालवा क्षेत्र में शिव भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में भक्तगण मठ पर आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने हेतु पूजन अर्चन करते हैं। सोमनाथ मठ सामाजिक समरसता के पवित्र उद्देश्य को भी पूरा करते हुए हिंदू समाज की एकात्मा का प्रतीक रूप से स्थापित हुआ है। वहीं श्रावण मास में सोमनाथ के भूषण सर्प देवता स्वयं प्रकट होकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर भक्तों को भी दर्शन देते हैं। मठ में सैकड़ों वर्षों से सर्प देवता प्रतिवर्ष श्रावण मास में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। सोमनाथ महादेव मठ पर आज श्रावण मास के पवित्र अवसर पर महारुद्राभिषेक के माध्यम से जो हमने रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उन सारी समस्त रुद्राक्षों का जो कि केदारनाथ धाम से हमने विशेष रूप से सिद्ध रुद्राक्ष यहाँ पर बुलाए हैं और आज सोमनाथ महादेव मठ पर उनका पुनः पूजन करके महारुद्र पाठ के माध्यम से आज महारुद्राभिषेक हो रहा है उन रुद्राक्षों को सिद्ध करने के लिए, इसलिए यहाँ कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। लगभग कितने रुद्राक्ष का यहाँ वितरण किया जाएगा? लगभग आज हम 251,000 रुद्राक्ष को हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं और केदारनाथ धाम से में जो आग्रह पूर्वक महामंडलेश्वर वहाँ के जो संत हैं उनके माध्यम से बुलाए हैं उनको यहाँ, और जो हमारे सिद्ध और दिव्य रुद्राक्ष हैं उनको 251,000 की संख्या में है वो हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।